तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस उनका इस्तेमाल एक नाइट वॉचमैन के रूप में कर रही है। पंजाब में सीएम चन्नी के लिए मुश्किलें वैसे बढ़ती हुई जा रही हैं। अवैध रेत खनन के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब में 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। इनमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक गैर कानूनी रेत खनन को लेकर छापेमारी हो रही है। मोहाली में सीएम के एक रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हन्नी के घर की तलाशी ली जा रही है। ईडी को रेत खनन के ठेके में काले धन के इस्तेमाल की आशंका है। इससे पहले विपक्ष भी मुख्यमंत्री चन्नी के नजदीकी लोगों पर सैंड माइनिंग के अवैध कारोबार में शामिल होने का आरोप लगाता रहा है। देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है कि मुख्यमंत्री के रिश्तेदार सैंड माफिया रेता चोरी के अंदर उनके ऊपर रेड हो रही है। राघव चड्ढा जी ने भी चन्नी साहब के उनके अपने हलके में दिखाया था कि किस तरह से वहां पे रेता चोरी हो रही थी। उसको उजागर करने के बावजूद सीएम ने, चन्नी साहब ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो साफ जाहिर है कि वो और उनका परिवार जो है वो रेता माफिया में शामिल हैं, और जो मुख्यमंत्री और जो परिवार, जिनका पूरा परिवार रेता चोरी में शामिल होगा, उनसे पंजाब के भविष्य की क्या अपेक्षा की जाए। वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शन हुए, ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पे भी ऐसे ही अटैक हुए थे, सेम पैटर्न पे अब पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, परेशानी दे रही है, हर तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। खाली एक मंत्री पे नहीं, मुख्यमंत्री पे नहीं, हर कांग्रेस के वर्कर पे दबाव बनाया जा रहा है। ये अच्छा माहौल नहीं है लोकतंत्र के लिए। इलेक्शन आ गए तो इनको ईडी की रेडें याद आ गई, लेकिन हम ये सब दबाव झेलने के लिए तैयार हैं। परेशानियां जितनी देंगे उतनी लेने के लिए तैयार हैं। इन्होंने किसी न किसी तरीके तरह हमारे मंत्री और मुझे टारगेट करना है और दबाने की कोशिश है ये, लेकिन पंजाबी कभी दबते नहीं।